केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट पर चर्चा करने के लिए राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भाजपा कार्यालय धमतरी पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता में बजट को लेकर बताया कि केंद्र सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के रोडमैप के लिए ये बजट है। वहीं शंभू बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन को लेकर सांसद पांडे ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और वो लोग आंदोलनजीवी हैं जो हर आंदोलन में शामिल रहते हैं। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना के नाम पर देश में भ्रम फैला रही है, जबकि अग्निवीर योजना युवाओं को अवसर प्रदान करती है। ये हमारा जो ये बजट है, इसे सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बजट हम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का और सबके कल्याण को ध्यान में रखकर के बजट प्रस्तुत किया गया है और बहुत ही शानदार बजट। विकसित भारत 2047 की ये बजट रोड मैप है और ये जो मैं कहूँगा कि केंद्रीय बजट माननीय मोदी सरकार के प्रति देश के लोगों द्वारा जताए गए ये विश्वास को दर्शाता है। अग्निवीर के पहले जो युवा थे क्या कर रहे थे,